सो आज पढ़ेंगे हम लोग एक और स्टोरी. स्टोरी का नाम क्या है? बीरबल एंड हिज हाफ ब्रदर. तो पढ़ेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है ये. इसको पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और समझना सीखेंगे और कुछ वर्ड्स के मीनिंग हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे. एम्परर अकबर लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज एन इन्फेंट. एम्परर जो अकबर है, अकबर जो राजा है, उसने अपनी माँ को खो दिया था. लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज, जब वो सिर्फ इन्फेंट था, मतलब छोटा सा बच्चा था, जब से पैदा ही हुआ था, मतलब जो मतलब जीरो से लेकर थ्री मंथ्स की जो एज होती है, सिक्स मंथ्स की एज होती है, उसको इन्फेंट कहते हैं हम लोग. ही वॉज ब्रॉट अप बाय अ नर्स. किसने उसको बड़ा किया? नर्स ने बड़ा किया. द नर्स ऑल्सो, मतलब दासी होती ना, दासी उसका वो कहते हैं. द नर्स ऑल्सो हैड एन इन्फेंट चाइल्ड. तो नर्स का भी एक छोटा सा बच्चा था. बिसाइड्स हर चाइल्ड शी ऑल्सो ब्रेस्ट फीड अकबर. उसने सिर्फ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, उसने अकबर को भी क्या किया? दूध पिलाया. बोथ द चिल्ड्रेन ग्रू एंड स्पेंड देयर चाइल्डहुड टुगेदर. दोनों बच्चे क्या हुए? साथ में बड़े हुए, ठीक है, और साथ में उन्होंने अपना बचपन एक दूसरे के साथ क्या किया है? स्पेंड किया है. स्पेंड दिया चाइल्डहुड टुगेदर. द सन ऑफ द नर्स वॉज नेम्ड लतीफ. जो दासी का बेटा था उसका नाम क्या है? उसका नाम है लतीफ. देख रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर. एज अकबर हैड शेयर्ड मिल्क विद लतीफ. देखो, जैसे दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया था, किंग अकबर कंसिडर्ड हिम टू बी हिज हाफ ब्रदर. तो किंग ब्रदर जो अकबर है, अकबर ने लतीफ को अपना भाई माना, हाफ ब्रदर, ठीक है, अपना भाई माना उसको. अकबर रिस्पेक्टेड द नर्स लाइक हिज मदर. अकबर ने उस नर्स को, उस दासी को भी अपनी माँ समान माना. एंड ट्रीटेड लतीफ लाइक अ यंगर ब्रदर. और लतीफ को एज अ यंगर ब्रदर ट्रीट किया. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लेटर ऑन अकबर रेन्ड द थ्रोन ऑफ आगरा. अकबर ने क्या किया? अकबर ने आगरा का थ्रोन क्या कर दिया? छोड़ दिया. ही अपॉइंटेड लतीफ एज अ सीनियर कर्टियर इन हिज कोर्ट. रेन मतलब शासन किया, रेन मतलब शासन किया, मतलब रूल किया. जब आगरा का सिंहासन उसको मिला, सियासत पूरी मिली उसको, किंगडम मिला, तो उसने लतीफ को एज अ सीनियर कर्टियर क्या किया? रिक्रूट किया, ठीक है, कोर्ट में, दरबार में. ऑल द लग्जरीज वर प्रोवाइडेड टू हिम. सारी लग्जरीज किसको मिली? लतीफ को मिली, ठीक है. द एम्परर ऑलवेज लव्ड हिम लाइक हिज ओन ब्रदर. अपने भाई की तरह लतीफ को प्यार किया ऐसे. देन क्या हुआ? वन डे किंग अकबर आस्ट बीरबल. ठीक है, एक दिन क्या हुआ? अकबर ने बीरबल से पूछा. क्या पूछा हो? देखो, लाइक माई लविंग हाफ ब्रदर यू मस्ट बी हैविंग वन बीरबल. तो बीरबल को पूछा कि जैसे मेरा एक भाई है, हाफ ब्रदर है, ठीक है, मतलब खून का रिश्ता नहीं है, बट हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया, तो मेरा हाफ ब्रदर है वो. तो बीरबल, तुम्हारा भी कोई तो हाफ ब्रदर रहेगा ऐसा कुछ? यस योर मैजेस्टी, आई ऑल्सो हैव अ हाफ ब्रदर. तो बीरबल ने रिप्लाई किया, यस, मेरा भी हाफ ब्रदर है अकबर. वेल, व्हाई डोंट यू ब्रिंग हिम टू द रॉयल कोर्ट? वी शैल लाइक टू मीट हिम. तो अकबर ने बोला, अगर ऐसी बात है तुम, तो तुम उसको दरबार में क्यों नहीं लाते हो? उसको दरबार में लाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उस तुम्हारे हाफ ब्रदर से भी मिलना चाहते हैं. आफ्टर फ्यू डेज व्हेन लतीफ एंड अकबर वर सिटिंग टुगेदर. देखो, कुछ दिनों बाद जब क्या हुआ, लतीफ और अकबर दोनों साथ में बैठे होते हैं, बीरबल केम एंड सेड. बीरबल आता है और बोलता है, योर मैजेस्टी, आई हैव ब्रॉट माई हाफ ब्रदर. मैंने मेरा हाफ ब्रदर लाया. जैसे आपका हाफ ब्रदर ये लतीफ़ है, वैसे मैंने मेरा भी हाफ ब्रदर लाया है. बोथ अकबर एंड लतीफ वर वेरी ईगर टू मीट बीरबल्स हाफ ब्रदर. तो दोनों, लतीफ और अकबर, दोनों बीरबल के हाफ ब्रदर से मिलने के लिए उत्सुक हो गए. ईगर मतलब उत्सुक होना. ईगर की स्पेलिंग रॉन्ग है, ई ए जी ई आर होना चाहिए, यहाँ पे ई ए जी ए आर हो गया है. नेक्स्ट क्या और है? अकबर देन आस्क बीरबल टू ब्रिंग हिज ब्रदर इमीजिएटली. देन अकबर ने बीरबल को बोला कि दरबार में लाओ उनको, जो भी तुम्हारे हैं ब्रदर, उनको हाफ ब्रदर, उनको दरबार में लाओ. विद इन फ्यू मिनट्स बीरबल रिटर्न विद द हेल्दी ऑक्स.
तो बिरबल ने एक ऑक्स लेके आया, एक ऑक्स मतलब गधा लेके आया, ठीक है, बैल, एक्चुअली गधा नहीं बैल होगा, ऑक्स मतलब बैल होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो बैल लेके आया, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित, टू सी दिस, द एम्परर आस्क्ड वेयर इज योर हाफ ब्रदर, व्हाई हैव यू ब्रॉट दिस ऑक्स हियर। तो अकबर ने पूछा, तुमने बोला था कि तुम तुम्हारा हाफ ब्रदर लेके आओगे, लेकिन ये तो बैल है, ये तो एक ऑक्स है, इसको क्यों लेके आए हो, व्हाई हैव यू ब्रॉट दिस ऑक्स हियर, ऐसा। योर मैजेस्टी आई एम जस्ट फॉलोइंग योर ऑर्डर। तो बीरबल ने बोला कि आपने जो कहा मैंने सिर्फ उतना किया, मेरा जो हाफ ब्रदर है मैंने उसको लेके आया और क्या। सिंस आई हैव बीन बेबी, जब मैं छोटा सा बच्चा था, छोटा मोटा बच्चा था मैं, तभी क्या हुआ, आई हैव बीन फेड ऑन काउज मिल्क, मुझे गाय का दूध पिलाते थे, ठीक है। द काउ हैज़ बीन केप्ट इन द बैकयार्ड, और वो जो गाय थी, काउ थी, उसको बैकयार्ड मतलब आंगन में बांध के रखते थे। एज आई हैव हर्ड हर हैड हर मिल्क, मैंने काउ का मिल्क पिया, शी इज़ लाइक अ मदर टू मी, वो मेरी माँ जैसी है। सो हर काफ विच ग्रू एज ऑक्स इज कंसिडर्ड माई हाफ ब्रदर, सो उसका जो छोटा सा बच्चा है ऑक्स, वो क्या हो जाएगा, मेरा हाफ ब्रदर हो जाएगा। इजेंट इट सो योर मैजेस्टी, ठीक है, क्या ये सच नहीं है, मैं सच नहीं बोल रहा, मैजेस्टी मतलब जहाँ पना, मैजेस्टी मतलब महाराज, जहाँ पना, वट एवर। किंग अकबर अंडरस्टूड वर्ड बिरबल वॉज ट्राइंग टू से, तो अकबर भी समझ गया कि बिरबल क्या कहना चाहता है। He laughed loudly, बहुत जोर जोर से अकबर हंसने लगा। देन क्या हुआ, इन स्पाइट लतीफ रेज्ड इन एंगर फॉर मोमेंट, ठीक है, और लतीफ जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया बीरबल के इस मजाक से। सो कमेंट डाउन डिड यू लाइक दिस स्टोरी और नॉट, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, जिनको स्टोरीज पढ़ना समझना, इंग्लिश पढ़ना समझना अच्छा लगता है। सो आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।